ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा का कांग्रेस पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। उनका कहना है कि न झंडा है न कार्यकर्ता, बूथों पर लोग नहीं है। उनके यहां चिंता का विषय बना हुआ है कि पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता लाए कहां से, क्योंकि सब बीजेपी में चले गए। दरअसल गुरुवार की शाम बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमाशंकर गुप्ता और प्रभात झा पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व भी दिखाई नहीं दे रहा। दिग्विजय सिंह कहां है, अजय सिंह कहां है, गोविंद सिंह कहां है? कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, पार्टी अगर कोई है तो वह कमलनाथ पार्टी। ऐसी पार्टी को कोई वोट नहीं देगा जहां कोई नेता नहीं है। उनका न झंडा है न कार्यकर्ता है, बूथों पर लोग नहीं। अभी उनके यहाँ चिंता का विषय बना हुआ है कि पोलिंग बूथ पर एजेंट कौन बैठ रहा है, पहले जो थे सब भाजपा में चले गए, ये प्रॉब्लम हो गया उनके यहाँ। चलिए, और हमारे संवाददाता सुधीर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। सुधीर, प्रभात झा ने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है, किस तरह से देखें उनके इस बयान को? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों को लेकर ये पूरी हमला है। और अगर बात करें तो बीजेपी का जो संगठन है वो किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से प्रत्याशी के नाम में भली दे रही हो, पर लेकिन संगठन ने अपना काम काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था और बूथ लेवल से लेकर जो प्रदेश स्तर तक की जो इकाइयाँ थी वो चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय थी। वहीं पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में इस बार खासकर जिन इलाकों में चुनाव है, ग्वालियर चंबल इलाका, वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बड़ी संख्या में हुआ करते थे कांग्रेस के अंदर। अब जब उन्होंने पाला बदला है तो ऐसे में बूथ स्तर से लेकर जो चुनावी तैयारियाँ हैं उनको लेकर ये पूरा कटाक्ष है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर करेगा कि बूथ एजेंट से लेकर जो चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वो किनको दी जानी है। हालांकि प्रदेश स्तर पर सभी 28 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, पर लेकिन बूथ स्तर तक का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर सवाल बीजेपी यहां पर उठा रही है। बीजेपी के पन्ना प्रमुख की बात हो, बूथ प्रमुख की बात हो, या फिर मंडल के जो सेक्टर प्रभारी या फिर विधानसभा में जो सेक्टर प्रभारी है उनकी बात हो, यह तैनाती काफी लंबे समय पहले कर ली गई थी। कांग्रेस के अंदर यह प्रक्रिया को अब शुरू किया गया और ये माना जा रहा है कि चुनाव प्रबंधन को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। प्रभात झा जो खुद संगठन के मुखिया रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के, वो बीजेपी के संगठन को अच्छी तरीके से जानते हैं और बीजेपी के संगठन के बहाने उन्होंने कांग्रेस के ऊपर उपचुनाव में हमला बोला है। चलिए, तो एक बड़ा हमला है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए।